हेलो। तो जो फ्रंट पैनल होता है, कई बार हम देखते हैं कि हमारी फ्रंट पैनल की जो बटने हैं, हमारी रीस्टार्ट स्विच और पावर स्विच, ये ख़राब हो जाते हैं। तो हमको उसके चक्कर में उसको सुधरवाने के लिए बटन अगर नहीं मिलती है तो हमें पूरा कैबिनेट चेंज करना पड़ता है और उससे हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो हम इस नुकसान को बचाने के लिए एक स्टेप लेंगे जिससे हम अपनी रीस्टार्ट और पावर स्विच की बटन को सही कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में। तो स्टेप वन में हमें ये जो हमारे पावर स्विच और पावर केबल जो बटन लगी है, इस नट को खोलना है। इस नट को हमें खोलना पड़ेगा और हमारी बटन बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बटन का नट खोल के बटन बाहर निकाल ली है। अब हम इस बटन को दबा के देखेंगे तो ये वॉइस से हमें लग रहा है कि हमारी बटन सही है, पर हमारी बटन जब हम फ्रंट पैनल पे अपना केबल लगाते तब वो स्टार्ट नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए अगले स्टेप में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने फ्रंट पैनल की जो बटन है उसको निकाल लिया है। इसमें जो स्विच है, इसमें ये केबल लगी हुई थी। जो हमारी केबल है, ये इन दो कनेक्टर से जुड़ी रहती है। ये जो देख रहे हैं आप, इन दो कनेक्टर से, तो एक वायर जुड़ा हुआ है और एक वायर जो है वो कट गया है। तो हम इसको काट के वापस से सही कर सकते हैं। तो मैंने वायर छील ली है। अब हम छील के इसका ये जो ब्लैक कलर का कवर है, इसमें इस वायर को डालेंगे। तो अब मैंने वायर को उसके अंदर लगा दिया है और उसको वापस से फिक्स कर दिया है जैसे कि ये पहले था। अब हम इसको वापस से इसकी जगह पे हम इसको लगा देंगे। तो अब हमने बटन को वापस लगा दिया है। अब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके,